में देख रहे हैं ना, वही महिला है जो लगातार कई दिनों से जो है चर्चा में है, हर मीडिया में यही आ रही है। कोई कुछ बोल रहे हैं, कोई कुछ बोल रहे हैं, लेकिन हम एक चीज़ और आपको खास बात बोल रहे हैं, यही दो जो हैं आपको अलग अलग फ्रेम में दिखती होगी, और महिला है तो आप समझ रहे हैं कि दिक्कतें तो होती होगी। अररिया पूरा एकदम कचरा हो गया है, गिना गया है एकदम। आप लोग सब लोग बोल रहा है कि आप लोग जो है इस तरह से कर रहे हैं, न्याय लेना आप लोग का मकसद नहीं है, मकसद कुछ और है। हमको तो न्याय चाहिए, हम तो न्याय के लिए लड़ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि न्याय के लिए अगर भटक रही थी तो फिर अचानक इस तरह से क्या है हो रहा है, फिर मीडिया आपके खिलाफ क्यों हो गया? वो तो आप मीडिया वाला लोग जाने, कौन मीडिया हमारे खिलाफ हो गया? जो एक दो जो मन होता है सो बोलता है, कहता है, करता है, बेइज्जती करता है। जैसे उसके पास माँ बहन नहीं है तैसे करता है। मेरे पास भी कोई रहता मेरे पीठ पे तो मेरा भी कोई सपोर्ट करता। अभी तो हम अकेले हैं, हमारे खिलाफ तो सब है, इसीलिए लोग सपोर्ट नहीं कर रहा आपका, इसीलिए सपोर्ट नहीं कर रहा है। मेरे खिलाफ तो सब ही है, आप आए हैं तो आप भी होंगे, तो मेरे पीठ पे तो कोई नहीं है, जो था वो भी मेरा साथ छोड़ दिया। अच्छा एक चीज़ बताइए, तो आपकी मम्मी पर एक गाना आ गया है जी, मतलब गुड़िया सिंह चालीसा करके, सुने है गाना? जी हाँ आज सुना था। क्या है, कुछ है, कुछ बताएंगे? कुछ भी नहीं, जितना मेरी मम्मी इंटरव्यू में बोलती है उसी का गाना बना दिया। अब ऐसा दिमाग किसके पास आया है? हाँ कैसा लगा सुन के? बहुत गुस्सा आया था, कौन जरूरी था गाना बनाने का? गाना बना के उनको क्या मिल गया? मेरे मतलब एक तरफ मजा ले रहा है हमको लगता है सब लोग, आप लोग का न्याय के लिए अगर गाना बनाता ना तो अच्छा लगता, लेकिन मेरा सब मजाक बना के धर दिया है। आए तो हम धर मजाक तो आप खुद बने हैं ना? ऐसे बने हैं सर, अपना सारा चीज जो भी था सब पब्लिक कर दिए, जो प्राइवेट चीज था उसको पब्लिक कर दिया, सबको बता दिया ये हुआ वो हुआ, और अब जो है हमको लगता है लोग आप ही लोग का गाना बनाने लगा, मजा लेने लगा। तो मजा तो लेता ही है, सब मजाक बना के रख दिया है हमको। अच्छा उस वक्त कैसा लगा? सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई साथ नहीं दे रहा है, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, नहीं करते हैं, बाल बच्चा को कैसे रखते हैं, लेकिन मेरा गाना बनाता है, वाह कुछ से कुछ बोलता है, कमेंट भी करता है, बहुत कुछ बोलता है, तो कितना के पीछे जाएंगे सर? अपना न्याय के लिए लड़ रहे हैं। न्याय मिलेगा लगता है? यहाँ तो न्याय के बदले गाना मिलने लगा, नया नया नाम मिलने लगा। वो तो उसका सोच होगा जिसने गाना बनाया है, लेकिन जिसने बनाया बोलते हो अच्छा काम नहीं किया गाना बनाया, अब उसकी मर्जी, उन्होंने गाना बनाया, लेकिन न्याय जरूर मिलेगा। कहाँ से न्याय मिलेगा, कहाँ कुछ जा रहे हैं, कुछ पहल हो रहा है कि नहीं, खाली इंटरव्यू दे रहे हैं, मीडिया में खाली बयान दे रहे हैं? कुसाकटा का थाना केस दर्ज लिया है सर, और गवाह मांग रहा था, गवाह तो कहाँ से देंगे हम? उनके गांव के पूछेंगे, सब जानता है कि हमको मारपीट भी किया है, मारने का धमकी भी देता है, और गवाह तो हम दे नहीं सकते, जो सब था मेरी बच्ची लोग की देखी है, और केस दर्ज लिया है, आगे प्रशासन में कानून कार्रवाई करेंगे, छानबीन वोट सब ना करेंगे, लड़का से पूछताछ करेंगे नीतीश मंडल से, तब ना वो सच्चाई उगलेगा। अच्छा मीडिया से पैसा लेते हैं आप इंटरव्यू के लिए? हम मीडिया आप लोग देते हैं कितना पैसा? हम लोग तो नहीं दिए। सब कैसे बोल दिए? तो कुछ लोग कैसे बोल रहा है? बहुत को लोग बहुत कुछ बोलता है, मतलब बदनाम कर रहा है आपको? हमको बदनाम कर रहा है, यही चलते कि कहता है अररिया में आके ऐसे करती है, इसीलिए सब बदनाम कर रहा है, नहीं सोचता है कि अररिया के लड़का किसी का जिंदगी बर्बाद कर दिया। मतलब अररिया का लड़का है इसलिए अररिया के लोग उनके साथ आ रहे हैं, और बदनामी सारा आप ही लोग पर थोप दिए हैं? एकदम बदनामी हम पे थोप, गलती तो लेकिन आप किए ना, पांच बच्चा मार रहते हैं, बच्चा से प्यार कर रही है। गलती हम के हम नहीं प्यार किए, वो हमको अपना जाल में फंसाया। अगर हम हमारा घर वाला छोड़ दिया, हम कमा के खा रहे थे, बाल बच्चा का अपना पालन पोषण कर रहे, तो उसको हम थोड़ी बुलाने गए, वो हमारे अथी में आया ना, हम नहीं बुलाने गए सर। आप उसे उम्र में बड़े थे, आप सावधान हो जाते, आप इस सब में चक्कर में नहीं पड़ते? हम एक दो साल से उनसे बड़े हैं, लेकिन हम उनको इतना नहीं समझ पाए कि मेरे साथ ऐसा करेगा, समझे? अभी कितना दिन से हैं और कितना दिन रहिएगा अररिया में? जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक अररिया में हम रहेंगे। अररिया के लोग हमको नहीं लगता आपको रहने देगा, भगा देगा? बोलता है उनके नीतीश मंडल के घर का भी सब बोलता है कि जहाँ रहते वहाँ से भी भगा देंगे, नहीं भागेगी जिधरे देखेंगे उधरे मार के फेंक देंगे, अररिया में रहने हैं नहीं देंगे, ऐसे बोलता है, लेकिन हम अररिया में रहेंगे। रहिएगा अररिया में? इतना जो घिना हमको, इधर रोड पर चलते होंगे पूरा फेमस, पूरा आप ही लोग को लोग देखता होगा। वो तो अपना अपना सोच है, अपना अपना सोच है जी। यानी कि यहाँ आ गए हैं, बैठ गए हैं, न्याय लेके ही जाना है जी, हमको न्याय चाहिए। न्याय मतलब क्या? पति को लेके जाएगा लुधियाना? थोड़ी बोलते हैं कि पति को लेके जाएंगे, हम पति को लेके क्यों जाएंगे? ऐसा थोड़ी है कि किसी का बेटा को माँ बाप से छीन लेंगे, ऐसा नहीं, वो तो स्वीकार है कि हमारी घर वाली है, वो अपना गलती मानेगा ना। गलती मान लेगा खाली हो जाएगा? एकदम गलती मान लेगा, मेरे लिए बहुत है। अच्छा चैनल का नाम सब इंटरव्यू में कह लेते हैं? चैनल का नाम इंटरव्यू में सब बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं,
पूछते हैं सब, तब बोलते नहीं तो हम नहीं बोलते हैं। आप लोग सब बोलते हैं कि मेरा हाँ। चैनल है गुड़िया सिंह धमाल नाम का चैनल है, सब पूरा मतलब सब एकदम धमाल कर दिए हैं आप, एकदम चैनल का फॉलोवर दिन रात बढ़ा रहे हैं, हर दिन बढ़ रहा है। नहीं हम नहीं बोलते, तो चैनल है, आप लोग पूछते हैं तो बोलना पड़ता है, जब पूछिएगा तो बोलना ही पड़ेगा ना, इसीलिए बोलते नहीं तो हम नहीं बोलते हैं पहले। कि उसी को फेमस करने के लिए सब ड्रामा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। अगर ड्रामा करना होता तो पूरा दिन घूम के पूरा इतना धूप में, जैसे पहले वीडियो बनाते थे ना सर, शॉर्ट वीडियो डांस वाला बनाते थे, अगर फेमस होना रहता था कितना वीडियो बना के डाल दिए रहते, लेकिन ऐसा नहीं करते। आप लोग मेरा चैनल देखिएगा, पहले से ज़्यादा हम लोग वीडियो नहीं बना पाते, बस दो गो तीन गो से ज़्यादा नहीं बना पाते। और सब जो कहते हैं कि चैनल की वजह से कर रही है अपना मतलब ब्लॉग डालती है, इतना किसी का इज्जत सस्ता नहीं है कि कोई भी औरत अपना इज्जत के उछाले, ऐसा कुछ नहीं। पैसा थोड़ी सबसे बड़का चीज है, मतलब जो लोग बोल रहे थे वही इज्जत खराब कर रहे हैं एकदम कर रहा है। जो अपना माँ बहन के नजर से देखे ना वो ऐसा बोल ही नहीं सकता है। चलिए, लगातार इस तरह की बातें सोशल मीडिया में उठ रही थी और कई मीडिया चैनल हैं जो इन्हीं लोगों से बहस करते हुए दिख रहे थे। हम लोग बहस नहीं करते हैं लेकिन सवाल ज़रूर करते हैं, और हम लोग यही सवाल करने के लिए आज फिर जो है, यही गुड़िया सिंह है, यही उनकी बेटी है, बेटी क्या नाम है तुम्हारा, सुमन कुमारी, और इसी दोनों को आप लोग बराबर देखते होंगे, हर स्क्रीन पर देखते होंगे। सोचिए एक बार और फिर से चला जाए, आखिर वजह क्या हो गया, क्यों इनका मीडिया से पंगा हो गया, क्यों मीडिया इनको अब बदनाम, एक तरफ न्याय की बात हो रहा है सर, जबरदस्ती आता है इंटरव्यू लेने और नहीं देते हैं तो उसके लिए भी सब अच्छा, जिसको इंटरव्यू नहीं दे रहे वही कर, जो यही किचाइन हुआ था आरती छोटू के यहाँ भी, आरती छोटू के यहाँ भी पहले खूब इसी तरह हुआ, अब हमको न्याय नहीं मिलेगा तो हम आप लोग को क्यों इंटरव्यू दे, हम अपना प्रशासन पर विश्वास रखते हैं, हमको प्रशासन न्याय दिलाएगा। मतलब हमको लगता है आप लोग को लोग सब प्रसादी समझ रहे हैं, मीडिया वाला सब बांट रहा है, खेल आप लोग इंटरव्यू देते हैं ना सर, तो बोलता है बुला बुला के दिल अथी बोलती है लेने के लिए, हम नहीं कहते किसी को, सब आता है बलजोरी करता है और तब बलजोरी झगड़ा करने लगा। अच्छा, मेन खेला वही है जिसको जिसको इंटरव्यू के लिए मना करते हैं क्योंकि ये थक जाती है, मना करते हैं हम भूखे रह रहा के इंटरव्यू देते हैं, हम आदमी नहीं है, सब अपना व्यू कमाने के लिए आता है, हमको थोड़ी न्याय मिलता है। मतलब मीडिया जो आ रहा है वो सब व्यूज के लिए आ रहा है, आपको चाहिए न्याय, न्याय चाहिए, इसलिए आप जो जाते नहीं हम देना चाहते तो बलजोरी करता उल्टा पुल्टा बोलता है, यही कारण है और कोनो कारण नहीं। चलिए, आज समझ में आ गया कि आखिर हो रहा है, और हम लोग पहले भी चलाए थे कि आखिर जो है इस तरह का जो कांड होता है वो ज़्यादातर इसी ज़िले में होता है, या होता है कहीं पर भी होता है आप भी जानते हैं, लेकिन इस ज़िला में जब होता है तो इतना पैनी नज़र इन लोग का रहता है कि उसको खोज के खंगाल के कहीं ना कहीं निकाल देते हैं, और निकालने के बाद उस शख्स को पूरा देश नहीं पूरा विदेश में फेमस कर देते हैं, क्या यूट्यूब है फेसबुक है भैया पूरा वर्ल्ड में चलता है, तुरंत रातों रात स्टार बना दिया जाता है, फिर उसके बाद मीडिया का जमावड़ा लगता है, कई महीनों तक उसके घर पर डेढ़ घंटा डाल के बैठे रहते हैं, और हर दिन हर एक घंटे पर एक एक वीडियो आता है, और वीडियो में बस एक ही नाम एक ही काम और एक ही तरह की बात आती है, फायदा दोनों को हो जाता है, मान के लिए इनको भी फेमस, जैसे ये कह रही है फेमस होने का इनका कोई शौक नहीं है, लेकिन जो भी था हम लोग आज दिखाने की कोशिश कीजिए कि आखिर मामला क्या है, लेकिन अंत में यही कहिएगा कि न्याय कि फेमस होना, न्याय चाहिए, क्या चाहिए, चलिए न्याय चाहिए, फेमस तो आप लोग इसको करिए दिए हैं, बाकी इस वीडियो में अगर आपको सच्चाई लगता है तो इनको अगर न्याय मिल सकती है, उस नीतीश मंडल का कुछ हो सकता है, उसके लिए वीडियो को शेयर करिए ताकि नीतीश मंडल के साथ जो ये कह रही है कि मतलब अवैध संबंध था, प्यार था, रही थी साथ में, सब कुछ हुआ था, तो उसके बाद जो है कहीं ना कहीं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, जांच होना चाहिए, और जांच के बाद ये चीज़ें सामने आनी चाहिए कि अब इन पांचों बच्चे का क्या होगा और जो ये महिला है उनका क्या होगा।